नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है 12 साल की एक छात्रा काम्या कार्तिकेयन की। इन्होंने माउंट एकांगुआ को फतेह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में स्थित माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उन्होंने 1 फरवरी को 6,962 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल में 7वीं की छात्रा हैं। काम्या ने 24 अगस्त 2019 को लद्दाख में 6,260 मीटर ऊंचे माउंट मेटोंग कांगरी द्वितीय पर चढ़ाई पूरी की थी। ऐसा करने वाली वह सबसे युवा पर्वतारोही थी। अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, वर्षों की शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ साहसिक खेलों में नियमित भागीदारी ने काम्या को कठिन परिस्थितियों में चढ़ाई पूरी करने में मदद की। काम्या के पिता एस कार्तिकेयन भारतीय नौसेना में कमांडर हैं, जबकि उनकी माँ लावण्या शिक्षिका हैं। 3 साल की उम्र में ही इन्होंने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। जब यह 3 साल की थी तब उन्होंने लोनावाला पुणे में बेसिक ट्रैक पर चढ़ना शुरू कर दिया था। जब वह 9 साल की हुई तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ हिमालय की कई ऊँची चोटियों को फतेह किया। इनमें उत्तराखंड का रूपकुंड भी शामिल है। 1 साल बाद वह नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप 5,346 मीटर पहुंची। 2019 में लद्दाख के माउंट स्टोक कांगरी 6,153 मीटर पर चढ़ाई पूरी की। 2021 में एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करना चाहती हैं काम्या। काम्या ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि 5,895 मीटर ऊंची है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसुज को 2,228 मीटर पर भी चढ़ाई पूरी करने में कामयाबी हासिल की। वह अगले साल एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना होगा। आज की कहानी यहीं तक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको किसी ऐसी ही कहानी के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना।